आपको भी पता है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन पे रिसाइकिल बिन से ही परमानेंटली फोटो को डिलीट कर देंगे तो फिर आपकी फोटो वापस नहीं आती है। बट गाइज, आज मैं ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी जो परमानेंटली फोटो डिलीट हुई है वो भी वापस आने लग जाएंगे। आपने अगर रिसाइकिल बिन से अपनी फोटो को डिलीट कर दिया, पहले तो आप डिलीट बटन से डिलीट करते हैं, उसके बाद आपके रिसाइकिल बिन में सेव हो जाते हैं, वहां से भी आपने अगर डिलीट कर दिया तो आप टेंशन मत लीजिएगा गाइज, आपकी फोटो पूरी वापस आने वाली है। वो मैं दिलाने वाला हूँ आपको, इस वीडियो को आप एंड तक देखना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी परमानेंटली फोटो वापस आने है। बेल आइकन गाइज जरूर प्रेस कर लेना, तभी तो ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक आप पाओगे और अपना फायदा उठा पाओगे। कहीं आपको ले चलता फोन की स्क्रीन पे, वहां पे ए टू जेड बताने वाला हूं कि आप अपनी डिलीट हुई परमानेंटली फोटो को कैसे ला सकते हो गैलरी पे वापस। देखिए गाइज, मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे, आपको ए टू जेड बताता हूँ कि अगर आपकी फोटो परमानेंटली डिलीट हो गई, आपने कर दी है, अगर डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिए तो आप कैसे वापस ला सकते हो। गाइज, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फोटो रिकवर। अगर गाइज आप लोगो देख रहे हो तो आप यहां से लोगो देख सकते हो, नहीं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए गाइज, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे गाइज ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, थोड़ी देर सर्च लेगा, जैसे गाइज ये सर्च लेगा इसके बाद एक न्यू इंटरफेस खुलेगा। वो कैसा इंटरफेस खुलता है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक गाइज देखना, आपका सब कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। कैसे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जैसे गाइज ओपन होता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए गाइज, जैसे सर्चिंग का थोड़ा देर वेट कर लिया जाए क्योंकि इस टाइम ये लेट भी होता है, तो आप इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस ऐड पे क्लिक नहीं करना। जैसे गाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको न्यू इंटरफेस खुलेगा, सर्च लेगा, सर्च लेने के बाद न्यू इंटरफेस खुलता है। जैसे खुलता है मैं बताता हूँ। जैसे गाइज ऐसा इंटरफेस खुलता है, आपको यहाँ पे बैक करना है। जैसे गाइज यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। थोड़ी देर वेट करिएगा गाइज, ये थोड़ी एप्लीकेशन आजकल लेट चल रही, पता नहीं, ये मुझे भी पता नहीं है क्योंकि पता नहीं कैसा काम कर रही है। बट गाइज यहाँ पे परमानेंटली जो डिलीट आप फोटो कर देते हो उसे वापस ला सकते हो। देखिए गाइज, जैसे यहाँ पे मैंने परमानेंटली ये फोटो डिलीट कर रखी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे गाइज क्लिक करूंगा, क्या आपके भी पुराने फोटो वीडियो, यहाँ पे ऐड आएगा गाइज, इस ऐड को आप स्किप करेंगे। जैसे गाइज यहाँ पे स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद देखिए यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, आपकी फोटो जिस फाइल से चली गई होंगी डिलीट वहीं से दिखेंगी। आपको यहाँ पे बैक करना है, बैक कर सकते हैं, बैक करेंगे तो ऐड आना जरूरी है गाइज, उनका भी ऐड आएगा। यहाँ पे इस ऐड को 5 सेकंड का होगा, स्किप करना है। जैसे गाइज यहाँ पे स्किप करेंगे इसके बाद आपके पास पूरा सब कुछ यहाँ पे दिखने वाला है। एक बार बैक करेंगे, यहाँ से बैक करने के बाद और फोल्डर पे जाएंगे, जितनी फोटो डिलीट होंगी उसे आप वापस ला सकते हो। अगर आपको रिकवर करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे आपका ऐड तो आना बनता है। जैसे गाइज ये ऐड आएगा, ऐड को स्किप करेंगे। जैसे गाइज यहाँ पे ऐड को स्किप करते हैं, यहाँ से अगर आपको रिकवर करना है यहाँ पे रिस्टोर कर लेंगे, या आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे प्रेस करके, इसे सेलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हो। उम्मीद है गाइज आप ऐसे कर सकते हो। होप गाइज, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गैलरी से रिसाइकिल बिन से भी आपकी फोटो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, आप कर देते हो, तो आप चुटकियों में उसे वापस ला सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे आपने समझा भी होगा और आपकी फोटो वापस आ रही है। गाइज आपकी फोटो वापस आ रही है, तो इस वीडियो को आगे आपको शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जिनकी परमानेंटली फोटो डिलीट हो चुके। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।